Hi, hello, welcome to Foundation Channel, Unacademy Foundation Channel. So our today's topic for the mental ability is Venn Diagram. I hope आप लोग mental ability बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उसके questions भी practice कर रहे हैं. बच्चा आपको पता है कि NTSE में इसका बहुत ही weightage रहता है. आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए एक separate cut off होता है अगर आपको NTSE crack करना है. So mental ability आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. इसी वजह से मैं हर एक every Thursday आप लोगों के लिए एक नया नया topic लेके आती हूँ for the mental ability, है ना. So कैसे क्या क्या चीजें होती हैं तो हम लोग काफी कुछ cover कर चुके हैं. Like हमने सीरीज कंप्लीशन किया है, देन हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, देन कोडिंग डिकोडिंग किया, कैलेंडर टेस्ट किया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट किया, है ना. सो काफी पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं और उनमें से मैक्सिमम मार्क्स के जो चैप्टर्स आते हैं वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. तो वेन डायग्राम एक उन्हीं में से एक और पार्ट है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बहुत ही ईजी होता है. मतलब इतना ईजी होता है कि उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो क्योंकि एक डायग्राम पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन होते हैं. तो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हो, है ना. सो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वेन डायग्राम, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे वेन डायग्राम के लेक्चर का. सो इसीलिए मैंने वेन डायग्राम इस बार किया है. सो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ बच्चे. अगर आप अभी तक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उसको इंस्टॉल नहीं किया है, तो जल्दी से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो. उसके ब्राउजर में tinyurl.com/unacademyfoundation टाइप करो. बच्चा जैसे ही आप ये लिंक टाइप करोगे आप अनअकेडमी फाउंडेशन ग्रुप से कनेक्ट हो जाओगे. आपके सारे एजुकेटर्स वहां पे हैं. सीमा मैम है, विंध्या मैम है, मैं भी हूं, नमो सर है, पारस सर है. तो आप सारे एजुकेटर से फ्रीली वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हो. अगर कोई सजेशन देना है, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई सजेशन लेना है, सो ये काम वहां पे कर सकते हो, है ना बच्चे. तो अभी तक अगर आपने ये नहीं किया है तो जल्दी से करो क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहां पे कनेक्ट हो चुके हैं, है ना. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चा ये है कि जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूट्यूब पे, है ना. फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे. बट इफ यू वांट कि आपको थोड़ा पर्सनलाइज में पढ़ाया जाए, आपका रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशन हो, फॉर दैट यू कैन एक्सप्लोर द प्लस प्लेटफॉर्म. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस प्लेटफॉर्म? मल्टीपल कोर्सेज आर देयर. लाइक 10th के लिए बैच का एक कोर्स है, बैच कोर्स है, 9th का बैच कोर्स है, एज वेल एज आपके NTSE के कोर्सेज हैं, NSEGS के कोर्सेज हैं, है ना. और चैप्टर वाइज भी कैप्सूल कोर्सेज रहते हैं. मल्टीपल लेक्चर्स आर देयर, मल्टीपल एजुकेटर्स आर देयर. सो एक बार अगर आपने प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया, आफ्टर दैट आप किसी भी कोर्स में एक्सेस कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मल्टीपल एजुकेटर्स आर देयर. सिर्फ फाउंडेशन चैनल के ही एजुकेटर नहीं है, और भी एजुकेटर्स हैं, आप उनकी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो. मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, है ना, SST, लैंग्वेज, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं वहां पे. और बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपसे जैसे कोई लेक्चर मिस हो गया, लाइव इंटरेक्टिव एंड पर्सनलाइज सेशन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई लेक्चर मिस हो गया तो वो लेक्चर ऑलरेडी वहां पे रहता है, सो आप उसको बाद में भी देख सकते हो. रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आपके टेस्ट भी होते हैं, आपके क्विज होते हैं, वीकली क्विज होते हैं, मेगा क्विज होते हैं. तो सारे बेनिफिट्स जो आपको नॉर्मल क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाते हैं वो बेनिफिट्स तो है ही है. इसके अलावा आपके मल्टीपल कोर्सेज भी है, ठीक है. सो चलो कैसे करना है ये बताती हूँ. अगर आप फोन यूज करते हो, जस्ट डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड इंस्टॉल दैट इज टॉप रेटेड ऐप नाउअडेज. आप लोगों ने उसको टॉप रेटेड बनाया है बच्चे, है ना. उसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन क्लिक ऑन प्लस. इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप और कंप्यूटर, टाइप unacademy.com/plus. वंस यू क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन फाउंडेशन एंड NTSE, दैट इज योर कैटेगरी. वंस यू क्लिक ऑन द फाउंडेशन एंड NTSE, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. Once you click on the get subscription, so these are the plans for the subscription. ये आपके subscription के plan हैं. आप इनमें से जो चाहें वो plan ले सकते हो. Like 1 month plan है, 3 month है, 6 month है, 24, 12 and 24. ये दोनों plans बहुत ही reasonable हैं. क्योंकि हमारे जो बच्चे 9th में है वो 24 month का plan ले सकते हैं. जो हमारे 10th में है वो 12 month का plan ले सकते हैं, है ना. क्योंकि इनमें जब आप apply कर देते हो foundation life code, so you'll get the 10% slash out in the prices. So आपके new prices ये हो जाते हैं. These are the prices for the 12 months and these are for 24 month. अगर आप 24 month का लेते हो तो 1000 something उसकी cost आती है per month, और अगर आप 12 month का लेते हो तो 1300 something per month cost आती है. That is very cheap and very reasonable. मतलब एक normal classroom में अगर आप एक subject के लिए भी इतना pay करते हो, आपको वो सारे benefits यहाँ पे सारे subjects के लिए मिल रहे हैं उतने ही price में. So you can explore that, है ना. So चलो start करते हैं हमारा आज का topic, that is Venn diagram.
सो एक्चुअल में व्हाट इज द वेन डायग्राम? सो जैसा बच्चा आपको पता है कि एक कुछ ग्राफ मतलब डायग्राम की फॉर्म में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको उस इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ता है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं. सो उस इंफॉर्मेशन से आप उन क्वेश्चंस के आंसर करते हो. ओके, सो दैट इज द वेन डायग्राम. एंड वेन डायग्राम में एक फिगर दिया जाता है और उस पे बेस्ड चार पांच क्वेश्चन होते हैं. तो अगर आपने उस फिगर को सही से रीड कर लिया, उस डायग्राम को सही से रीड कर लिया, सो आप उन चार पांच क्वेश्चंस के सही से आंसर कर सकते हो. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, कि अगर आपने एक क्वेश्चन को सही से रीड किया, एक को सही से समझ लिया, सो आपके पांच क्वेश्चन सही हो जाएंगे उस पे बेस्ड. ठीक है, सो इसीलिए स्कोरिंग भी है. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज द वेन डायग्राम? वेन डायग्राम आर एन एफिशिएंट वे टू रिप्रेजेंट द एंड रिप्रेजेंट एंड एनालाइजिंग सेट्स एंड परफॉर्मिंग सेट्स ऑपरेशन एज सच दैट द यूजिंग द वेन डायग्राम इज जस्ट द एलेबोरेशन ऑफ सॉल्विंग टेक्निक. एक सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग टेक्निक है जिससे आप इजिली आंसर कर पाते हो. ओके, सो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो डायरेक्शंस दी गई हैं. डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग डायग्राम थ्री क्लासेस ऑफ द पॉपुलेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री फिगर्स. ये तीन फिगर्स हैं. थ्री क्लासेस आर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट किए गए हैं. सबसे पहले ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर्स. तो आपको जब कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपको जो जो फिगर जो जो दिया है अगर मेंशन नहीं है तो आप लिख लो. सो ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर्स है ना, तो मैं यहां लिख देती हूँ स्कूल टीचर्स. स्क्वायर रिप्रेजेंट द मैरिड पर्सन. स्क्वायर रिप्रेजेंट द मैरिड पर्सन. एंड सर्कल रिप्रेजेंट द पर्सन. सर्कल रिप्रेजेंट द पर्सन लिविंग इन द ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली. अब चलो ये तो जो फिगर थे या डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया. अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैरिड पर्संस लिविंग इन द जॉइंट फैमिली बट नॉट वर्किंग एज द स्कूल टीचर. सो ऐसे कितने मैरिड पर्सन मतलब कौन है जो कि मैरिड पर्सन है, जॉइंट फैमिली में भी रहता है लेकिन स्कूल टीचर नहीं है. तो यहां मूव करते हैं. सो देखते हैं, मैरिड पर्सन है ज्वाइंट फैमिली में रहता है, तो ऐसा मैरिड पर्सन जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है, जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है बट स्कूल टीचर नहीं है, वो कौन सा है? डी. क्योंकि डी ज्वाइंट फैमिली में भी है और मैरिड भी है, दोनों में है लेकिन स्कूल टीचर वाले में नहीं है, ट्रायंगल में नहीं है, तो दैट इज डी. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो देखो हमने एक बार फिगर को सही से जज किया और मैंने पहले क्वेश्चन का कितना आसानी से आंसर किया. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैरिड टीचर्स लिविंग इन द ज्वाइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय. मैरिड टीचर्स लिविंग इन द ज्वाइंट फैमिली मतलब मैरिड भी हो, टीचर भी हो और ज्वाइंट फैमिली में भी रहता हो, यानी कि तीनों चीजें होनी चाहिए उसमें. तो देखते हैं क्या क्या तीनों चीजें हैं. इसमें भी हो और इसमें भी हो. सो दैट इज बी, है ना, बी ऐसा है जो तीनों में लाई कर रहा है. सो योर आंसर इज बी. आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना. मैरिड टीचर्स लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय बी. फिर से मैं बता देती हूं, मैरिड पर्सन लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली, मैरिड पर्सन भी होना चाहिए यानी कि स्क्वायर के अंदर भी होना चाहिए, सर्कल के अंदर भी होना चाहिए और साथ के साथ आपका ट्राइंगल के अंदर भी होना चाहिए. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सन हु लिव्स इन ज्वाइंट फैमिलीज आर अनमैरिड एंड हु डू नॉट. यहाँ पे डू नॉट होना चाहिए, यहाँ पे डू नॉट वर्ड स्कूल टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय. जो स्कूल में काम नहीं करता है ना तो अनमैरिड है ना तो मैरिड है ना ही वो स्कूल टीचर है, सिर्फ ज्वाइंट फैमिली में रहता है. सो ऐसा पर्सन कौन सा है आपका? ई. सो यहां से आपका जो आंसर आ रहा है दैट विल बी ई. ई इज द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्कूल टीचर्स हु आर मैरिड बट डू नॉट लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज आर रिप्रेजेंटेड बाय. स्कूल टीचर्स हु आर मैरिड मतलब ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर. स्कूल टीचर्स हु आर मैरिड ट्राइंगल एंड स्क्वायर बट डू नॉट लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज. ट्राइंगल एंड स्क्वायर का कॉमन बट सर्कल में नहीं आना चाहिए, दैट इज सी. ट्राइंगल एंड स्क्वायर का कॉमन, स्कूल टीचर है मैरिड है लेकिन ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहता, तो सी. सो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, स्कूल टीचर्स हु आर नीदर मैरिड नॉर डू लिव इन द ज्वाइंट फैमिलीज आर रिप्रेजेंटेड बाय. स्कूल टीचर्स हु आर नीदर मैरिड, स्कूल टीचर्स यानी कि ट्राइंगल में हो, ना तो खाली ट्राइंगल में हो, ना तो सर्कल में हो ना स्क्वायर में हो, खाली ट्राइंगल में हो ना सर्कल में हो ना स्क्वायर में हो, दैट इज एफ. सो एफ इज द करेक्ट ऑप्शन. अगेन एफ इज द करेक्ट ऑप्शन.
एफ इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको समझ आया होगा. सो डेटा इज वेरी इजी, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें दी गई थी, उनके अंदर कुछ कुछ डेटा था, हमने उसके बेसिस पे इनका आंसर कर दिया. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वन इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है इस बार. डायरेक्शन, स्टडी द फिगर गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या दिया गया है? ये दी गई है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टीवी, स्क्वायर नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग स्कूटर्स, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग मारुति, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वीसीआर. ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव ऑल द फोर थिंग्स मेंशन्ड इन द डायग्राम. जिसके पास चारों चीजें हो भाई, जिसके पास चारों चीजें हो. सो चारों चीजें होनी चाहिए, है ना. तो सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, ये वाला सर्कल भी है. सो दैट इज 20 ऐसी चीज है जो कि सब में आ रहा है, कॉमन है ना, सब में आ रहा है. सो दैट इज 20. सो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव स्कूटर्स. जिनमें स्कूटर्स है उन फैमिलीज को आपको काउंट करना है. ओके, सो चलो फिगर की तरफ चलते हैं एक बार. सो यहां पे एक छोटा सा करेक्शन है कि यहां पे 15 और लिखा होगा. ठीक है, 15 और होना चाहिए, ये मिस हो गया है. सो ध्यान से सुनना. अब इतनी फैमिली जिनमें स्कूटर्स हैं, सो वो दिस स्क्वायर वाले स्कूटर्स होंगे. सो देखो क्या है, 80 + 20 = 100 तो ये बन गया आपका, और ये कितना बन रहा है, 80, 30 and 140, ये बन गया आपका. एंड 18 एंड 15 को और हम काउंट कर लेते हैं, 18 एंड 30 की और हम बात कर लेते हैं. चलो तो ये बन रहा है 8 और ये बन रहा है आपका 48, तो 48 ये बन रहा है आपका, यानी कि 188 आपकी फैमिलीज आ रही है टोटल जिनमें स्कूटर्स हैं. सो यहां पे आंसर आ रहा है आपका 188. ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैविंग स्कूटर्स आर 188. ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैविंग वीसीआर एंड टीवी बोथ. ऐसी फैमिलीज जिनमें वीसीआर और टीवी दोनों ही है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. वीसीआर ये है आपका दिस सर्कल, एंड टीवी ये है आपका. सो नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैविंग वीसीआर एज वेल एज टीवी आर 80 and 20. यही दोनों तो बन रहे हैं वीसीआर और टीवी में, तो 80 + 20 यानी कि 100. सो नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैविंग वीसीआर एज वेल एज टीवी इज 100 फैमिलीज हैं जिनमें वीसीआर भी है और टीवी भी है, दोनों है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव ओनली वन थिंग दैट इज ईदर टीवी और वीसीआर और स्कूटर और मारुति. जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक चीज है ना, तो कोई एक एक चीज की बात हम करें, तो सबसे पहले तो यहां से आपको मिल रहा है 110. सो 110 वो फैमिलीज हैं जिनमें खाली खाली वीसीआर है. 50 फैमिलीज वो है जिनमें टीवी है. अब यहां से देखते हैं हम, इस स्क्वायर की बात अगर हम करें तो स्क्वायर में तो ऐसा कुछ है नहीं जो अकेला हो खाली, है ना. तो अब हम इसकी बात करें तो ये 40 और वो 25 है, तो मेरे पास यहां 5 आ रहा है और यहां हम देखते हैं कितना आ रहा है. ये मेरे पास बन गया 160, या एड ही कर लेती हूं, 6 and 6 = 225. तो आंसर आ रहा है आपके पास कितना, 225. तो एक चीज कंटेन करने वाले 225. ओके, समझ में आ गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव टीवी एंड स्कूटर बट हैव नीदर वीसीआर नॉर मारुति. ना वीसीआर हो ना मारुति हो, टीवी और स्कूटर हो, दोनों ही हो. टीवी एंड स्कूटर नॉर वीसीआर नॉर मारुति. सो आई थिंक 30 इज द आंसर, है ना. टीवी एंड स्कूटर पूछा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं. टीवी एंड स्कूटर है, हाँ देखते हैं क्या कह रहा है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव टीवी एंड स्कूटर बट बोथ बट नो हैव नीदर वीसीआर नॉर मारुति, यानी कि 30 इज द करेक्ट ऑप्शन. एक बार फिर से मैं आपको चेक करवा देती हूं. टीवी एंड स्कूटर बट नॉट हैविंग वीसीआर मारुति एंड नॉर वीसीआर, दैट इज 30. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन अब उस पे खत्म हो गए. सो बच्चा देखा, एक बार हमने कितना आसानी से इसको जज किया और हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए. तो बहुत ही इजी सेक्शन है, आपको एक फिगर से सारे आंसर्स मिल जाते हैं,
है ना। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डायरेक्शन है रीड करनी है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। द सर्कल रिप्रेजेंट पुअर बॉयज, द स्क्वायर एजुकेटेड बॉयज, ओके सर्कल पुअर बॉयज, स्क्वायर एजुकेटेड एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट द बॉयज हु आर एम्प्लॉयड समवेयर, employed somewhere, who are employed somewhere, and the rectangle represent those who help in family business. ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, विच नंबर रिप्रेजेंट दोज पुअर बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस बट आर नॉट एजुकेटेड और एम्प्लॉयड। पुअर बॉयज, एक तो पुअर हूं, दूसरा फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हूं, तो पुअर हूं और फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हूं। सो पुअर भी हूं और फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हूं, बट इन दोनों में नहीं हूं, यानी कि फाइव, यानी कि फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पुअर बॉयज, एजुकेटेड है, पुअर है, हु आर एम्प्लॉयड समवेयर बट डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस। एजुकेटेड है, पुअर है और एम्प्लॉयड है। एजुकेटेड, पुअर एंड एम्प्लॉयड, एजुकेटेड पुअर एंड एम्प्लॉयड, एजुकेटेड पुअर एंड एम्प्लॉयड, दैट इज एट, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, क्या कह रहा है, फैमिली बिजनेस में नहीं है, ये तो फैमिली बिजनेस वाला भी है भाई ना, तो अब इन तीनों में कॉमन हो लेकिन इसमें ना हो तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। सो दैट्स वाई द आंसर इज नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समवेयर बट डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस, नन ऑफ दीज, ओके। तो अब नेक्स्ट, विच सेक्शन डज नंबर 12 रिप्रेजेंट। 12 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, देखते हैं फिगर की तरफ। 12 नंबर ये है, ये नंबर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ पुअर बॉयज, जो कि ना तो एजुकेटेड है, ना उनका फैमिली बिजनेस है और ना ही एम्प्लॉयड है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। अनएजुकेटेड पुअर बॉयज हु डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस, अनएजुकेटेड पुअर बॉयज हु डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस, ठीक है। एजुकेटेड पुअर बॉयज एम्प्लॉयड इन सर्विस, बिल्कुल नहीं। अनएजुकेटेड बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस, बिल्कुल नहीं। एजुकेटेड पुअर बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस, बिल्कुल नहीं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अनएजुकेटेड पुअर बॉयज हु डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस। एक तो अनएजुकेटेड है और पुअर, अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं है, मतलब इधर वाले फिगर से बाहर है, फैमिली बिजनेस में भी नहीं है, तो खाली इस फिगर में है, दैट इज अनएजुकेटेड पुअर बॉयज हु डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ पुअर बॉयज हु आर नीदर एजुकेटेड नॉर आर इन एनी एम्प्लॉयमेंट और हैव एनी फैमिली बिजनेस। विच नंबर रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ पुअर बॉयज, सिर्फ पुअर हैं, हु आर नीदर एजुकेटेड, ना तो एजुकेटेड है, नॉर आर इन एनी एम्प्लॉयमेंट और हैव एनी फैमिली बिजनेस। सो ऐसे लोग जो कि पुअर हैं, साथ के साथ आपके अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड भी हैं, एजुकेटेड भी नहीं और फैमिली बिजनेस वाले भी नहीं है। सो सिंपल, ये तो वही बात है जो यहां पूछी गई थी, है ना। सो आंसर इज 12 अगेन। समझ में आ गई बात। 12 खाली पुअर है, एजुकेटेड भी नहीं है, फैमिली बिजनेस भी नहीं है और एम्प्लॉयड भी नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, देखो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, एजुकेटेड भी नहीं है, खाली पुअर है। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये विच नंबर स्पेस इज इन द फिगर, विच नंबर स्पेस इन द फिगर रिप्रेजेंट डॉक्टर्स हु आर प्लेयर एज वेल एज आर्टिस्ट। ये एक ही क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। सो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स, प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। विच नंबर रिप्रेजेंट इन द फिगर डॉक्टर हु आर, सबसे पहले तो डॉक्टर होने चाहिए, हु आर प्लेयर्स, प्लेयर भी होने चाहिए, एज वेल एज आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट भी होने चाहिए, यानी कि तीनों में कॉमन होने चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, 7, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Study the following figures carefully and answer the questions. The triangle represent doctors, the circle represent player and rectangle represent artist. चलो क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। The triangle represent doctors, circle represents players, rectangle represent artist. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। How many doctors are both player and artist?
डॉक्टर भी हो, प्लेयर भी हो और आर्टिस्ट भी हो, तो टोटल बन रहा है 3, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है. सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, आर्टिस्ट है और प्लेयर है. आर्टिस्ट, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, कितने ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं एंड प्लेयर हैं, ये बोल रहा है, ठीक है. सो आर्टिस्ट है एंड साथ के साथ प्लेयर है, तो 22 + 3, आर्टिस्ट है और साथ के साथ प्लेयर भी है. सो आ रहा है आपके पास 25. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ रहे हो, आर्टिस्ट आर प्लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिस्ट नीदर प्लेयर नॉर डॉक्टर. आर्टिस्ट है लेकिन डॉक्टर भी नहीं और प्लेयर भी नहीं है. चलो देखते हैं, आर्टिस्ट तो है लेकिन डॉक्टर भी नहीं और प्लेयर भी नहीं है, 30 है ना. सो आंसर इज 30 बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉक्टर्स नीदर प्लेयर नॉर आर्टिस्ट. ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो ना तो प्लेयर हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं. ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो ना तो प्लेयर हैं ना ही आर्टिस्ट है, खाली डॉक्टर हैं. देखते हैं, खाली डॉक्टर हैं, ना तो प्लेयर हैं ना ही आर्टिस्ट हैं, 17 है ना. सो नंबर आ रहा है इसमें कितना, 17 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, है ना. सो वेन डायग्राम इज वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी. लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर्स दिए जाते हैं और उन फिगर्स के बेसिस पे आपको आंसर करने होते हैं. लाइक मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी हुई होगी. लाइक हमने एक एक क्वेश्चन को किया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या जज किया, एक एक चीज को ध्यान से समझा. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको दोबारा दोबारा पढ़ के क्वेश्चन को यहां से जज किया कि क्या आपका आंसर आना चाहिए. ओके सो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं. वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ आया है. अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना. अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना जितने ज्यादा हो सके उतने, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी एग्जाम में और आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो. सी इन एनटीएससी एग्जाम एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट में कट ऑफ सेपरेट होता है, जैसा कि आप लोगों को सबको ही पता है. और उस कट ऑफ को अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका आप एनटीएससी फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई नहीं कर सकते. और मोस्टली बच्चे अपना सेट वाला पोर्शन तो क्वालिफाई कर लेते हैं, अटकते किसमें, मैट में. सो मैट के लिए आपको एक एक मार्क से आपका कट ऑफ क्वालिफाई होने से रह जाता है. सो फॉर दैट आपका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपको आई होप वेन डायग्राम अच्छे से समझ आया है एंड आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया है. सो आज की क्लास यही खत्म करते हैं. एंड स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइफ कोड व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, इधर यू आर टेकिंग फॉर द जेई और नीट. आप किसी के लिए भी लो, फाउंडेशन लाइफ कोड अप्लाई करो. You'll get the 10% slash out in the prices. आपको 10% slash out मिलेगा ही मिलेगा उनमें, ठीक है. So don't forget to apply Foundation Life code and don't forget to like and share our video, subscribe our channel, press the bell icon को बिल्कुल बर्बाद कर दो, press करो so that you'll get the notification of upcoming classes. हमारी upcoming classes के आपको notifications मिलते रहेंगे. Second important thing is this, बच्चे अगर आप हमारी ये video को with the hashtag of Foundation Life Daily के साथ कहीं पे भी post करोगे, Facebook और Instagram कहीं पे भी, और हमें अगर आप मिलोगे so हम आपको वहां पे directly message करेंगे. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next session में किसी नए topic के साथ. तब तक के लिए सी यू, और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो मेंटल एबिलिटी पे, है ना. एंड हमारे ये 3 चैनल हैं जैसा कि आपको पता है, फॉर द जेई चैनल है, अनअकैडमी जेई नीट के लिए और 9-10 फॉर फाउंडेशन. सो आपको तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना है. आप जिस के लिए, तीनों को नहीं, आप जिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. हमारे जो बच्चे 11th-12th में हैं, जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जेई को करें, नीट को करें, है ना, 9-10th को करें जो फाउंडेशन में 9-10th में. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.